तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी स्नो है यार, अभी सोलन के पास हैं और बहुत कम होता है कि सोलन के इतनी पास बर्फ़ मिले, तो संभावना पूरी है यार आगे काफ़ी बर्फ़ मिलेगी। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार। पूरी तरह से पैक हो रहा है, जाम की सिचुएशन है। पिछले 2-2.5 घंटे से हम शिमला के अंदर ही हैं और क्रॉस नहीं कर पाए। अल्टीमेटली टाइम हो गया अब 7:15 का, तो रात को तो यार स्नो के अंदर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब क्या है, हमने नीचे होटल ले रखा है, वहाँ पे रात को स्टे करेंगे और कोशिश करेंगे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दोबारा से शिमला आएंगे और कुफरी की तरफ का रास्ता अगर खुला हुआ तो वहाँ जाएंगे और आपके यहाँ शेयर करूँगा कि शिमला स्नो के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। रात को हम शिमला में जाम की वजह से विजिट नहीं कर पाए थे, तो अभी यहाँ कंडा घाट और जा रहे हैं यार। इस बार टॉय ट्रेन से पहली बार विजिट करेंगे कंडा घाट टू शिमला। पहला एक्सपीरियंस होगा यार, वर्ल्ड हेरिटेज है ये ट्रेन। तो टाइमिंग जो थे वो थे, एक तो सुबह यहाँ पे 9 बजे चलती है और उसके बाद बताया था 11 बजे, तो 9 बजे वाली पकड़ नहीं पाए हैं। अभी टाइम हो गया लगभग 10 बजे का, जा रहे हैं पैदल पैदल रेलवे स्टेशन यहाँ का। ट्रेन हमें दिख रही है, टाइम हुआ अभी 10 बजे के आसपास का। इधर या तो लेट है ट्रेन या फिर अर्ली आ गई है, दोनों में से कोई ना कोई बात तो है। फाइनली हुक एंड क्रू हमें ट्रेन मिल गई है। जैसे
वैसे तो ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है या इसका कहीं भी, पर शायद कोई पास वास देने के लिए रुकती है बीच बीच में, तो अभी तो यही लग रहा है पास देने के लिए रुकी है। लगता है कोई गड़बड़ है। देखिए हमारे मैकेनिक है, शायद ये कुछ ठीक कर रहे हैं। क्या हो गया था? आपको देखेंगे हिमालय के ब्यूटीफुल व्यू, बहुत सारे टनल्स, और जो स्पीड है ये भी काफ़ी कम है, तो आप इसको बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हो। आई थिंक 30 किलोमीटर है कंडाघाट से शिमला, और 30 किलोमीटर मिलेगी 3 घंटे मेरे हिसाब से। और फिलहाल तो स्नो भी काफ़ी डली हुई है आसपास, तो नज़ारा और बेहतर आ रहा है। लिया है छोटा सा, कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इसके खिलौने वाली रेलगाड़ी में। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज है, तेरे को पता है इस बारे में? हाँ, यूनेस्को ने इसको घोषित किया हुआ है। ओके ओके, मुझे नहीं पता कि आपको, जब मैं अंदर से ब्लॉग कर रहा था डब्बे में बैठ के, तो आवाज़ क्लियर आ रही थी या नहीं आ रही थी, बट यार एक्सपीरियंस वैसे अच्छा है। ओके, सामने से जा रही है सड़क, मुझे व्हीकल्स दिख रहे हैं, तो बीच बीच में यार वैसे स्टॉपेज हैं इसके छोटे छोटे, वैसे इसके होते नहीं हैं, पर ये शायद कोई पास वगैरह देने के लिए रुकती है। ये लो बिस्किट खा लो। आप ये देखिए डिब्बे के अंदर आपको चार्जिंग सॉकेट में मिलती हैं, हर सीट का एक एक सॉकेट दिया हुआ है, लिखा हुआ है ओनली फॉर मोबाइल चार्जिंग। यहाँ पे है एसी लगा हुआ, शायद गर्मियों के अंदर गर्मी होती होगी तो एसी चलते होंगे, और एक लगा रखा है इस तरफ भी। एक डब्बे में 2 एसी, एक बड़ा है और एक छोटा है। गाड़ी रोकने के लिए बटन दबाए, दबा मत दियो, ठीक है, दबा मत दियो। शोगी स्टेशन, और शिमला से पहले अगर हम गाड़ी से आते हैं तो लास्ट स्टेशन पड़ता है, इसके बाद सीधा शिमला ही आता है, तो होगा यार यहाँ से शिमला पे 10-15 किलोमीटर दूर। चलिए, शायद पुराना इंजन होगा ये, आधा घंटा क्रॉसिंग के लिए रुकेगी। ये अनाउंसमेंट हुई है, यानी कि हाफ एंड आवर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं। Ha 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 ha!
सुनो यार, और ये जो पीछे टनल है जिसे हम अभी क्रॉस करके हैं, काफ़ी लंबी टनल थी, बहुत देर तक हम टनल के अंदर रहे, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है जैसे टनल के अंदर जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकले सामने देखने को मिली ये वाइट ब्यूटी यार। जिस तरह हम स्विट्जरलैंड में जर्नी कर रहे हो, बिल्कुल रूई जैसी फ्रेश वाइट स्नो है।